इनका जो खबर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से प्रेस ब्रीफिंग होती रही वो जगह मैं आपको दिखाता हूं। आज वहां पर थोड़ा सन्नाटा इसलिए है क्योंकि सभी लोग रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि यहीं पर मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखिए ये सच चुका है, ये मंच है और ये मंच यहां पर तैयार किया गया है। हमारे साथ इस वक्त यहां डीजी सूचना भी है बंसीधर तिवारी। सर, क्या मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? अभी हमने अनुरोध किया है, अभी आएंगे तो फिर करा लेंगे, आप लोगों को सूचित कर देंगे। डीजी सूचना बंसीधर तिवारी जानकारी दे रहे हैं, मंच यहां पर सज चुका है, मेन का अब तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5 कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं, मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे, जनरल वीके सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रेस्क्यू सफल होने पर पीएम की ओर से ट्वीट आया है, सफलता पर सभी भावुक हो जाते हैं। रेस्क्यू सफल होने पर पीएम का ये ट्वीट, और पीएम ने लिखा है सफलता हर किसी को भावुक करने वाली है। तो सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है, एक्स के जरिए उन्होंने अपनी इस भावना को लोगों के सामने जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी सिलक्यारा टनल हादसे का, रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र किया था, और अब जब कामयाब हो चुका है ऑपरेशन तो उन्होंने एक बार फिर से साहस धैर्य हर किसी की जीत हुई है, यहां पर हर किसी को प्रेरित कर रहा है साहस धैर्य। रेस्क्यू सफल होने पर पीएम मोदी का यह ट्वीट है। दीपांकर, आपके पास आती हूं। बिल्कुल, ये मंच है मेनका। इससे पहले हम तमाम अलग अलग रिपोर्टिंग करते रहे, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे, सरकारें जब बदलती हैं तब रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन अब ये मंच मैं दिखा दूं। यहाँ ये 4 कुर्सियां, 5 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र की सरकार के द्वारा जो आर्मी इंजीनियर्स हु वर देयर वर्किंग ऑन दिस मैनुअल डिगिंग व्हिच वाज टेकिंग प्लेस, you know at every phase of this operation there have been different agencies going in and doing a specialized work. Now at this moment when the 41st person is out, I am told, because I have not had time to even speak there, I am told that now of course there is a at 60 to 80 meters away from the site of the collapse, in within the opening of the tunnel, there is a small 8-bedded hospital which has been created there, field hospital. So all of them are coming there. The little medical checkups are being done there, initial medical checkups, triage is being done, prioritization is being done. Then you can see, I think the visuals have been there of all the ambulances lined up. Individually, these vehicles are being marched off and sent to the district hospital, which is 30 kilometers away and which is just incidentally... ये सब लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। विक्ट्री साइन आप दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाइए, कैसे दिखा रहे हैं? और जोश आप में दिख रहा है, कैसा रहा ये पूरा ऑपरेशन? कितना मुश्किल था अंदर? सर, मुश्किल था लेकिन जज्बात था हमारे अंदर, जज्बा कि इन्हें निकालना है। कितने घंटे में निकल गए? हमने 26 घंटे में, सर 26 घंटे में कंटिन्यू लगे हम। सब ठीक है? हाँ, बेहतरीन, एकदम सब फिट, एकदम। कुछ करना पड़ा आपको इस 26? हमें कुछ नहीं, बस हाथ से मट्टी निकालने पड़ी, पत्थर काटने पड़े थे। 12 आदमी थे, 12 आदमियों की टीम थी। जी जी जी। और क्या क्या मुश्किलें थी? जो मुझे सोए थे जी? नहीं 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 सोए, खाना नहीं खाया था आज, तो खाना भी नहीं खाया, कल तो खाया था। बिना खाए, बिना खाना खाए लगातार काम किया 26 घंटे तक। और जो न्यूज 18 ने ये लगातार कवरेज दिखाई है, 26 घंटे के ये विनर है। विक्ट्री साइन आप लोग दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन आप दिखाएंगे, और ये जीत है, ये विक्ट्री है, ये इनकी खुशी है आज। कैसा था पूरा, कितना टफ था पूरा ऑपरेशन? बहुत बढ़िया था सर, टफ तो था, लेकिन सर अपने एक हौसला, हमारे जो सर हैं ये हैं वकील हसन सर, इन्होंने हमें और भी अंदर थे जी सर, मैं भी अंदर था लड़का। कितना टफ था सर? बहुत टफ ऑपरेशन था, बहुत ही ज्यादा टफ था, क्योंकि रास्ते में है ना, एक तो मट्टी वो पत्थर तो बाद चला गया, उसके बाद में सरिया आना, पाइप आना, उनको काट के फिर आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल काम था सर। मशीन ने नहीं किया वो, इन लोगों के हाथ सर, इन्होंने कर दिया, बट मशीन की भी कोई कमी नहीं है सर, कहीं उलझ गया था वो अगर, बट उसका जो काम उसने छोड़ दिया था वो हमारे लड़कों ने मैनुअली पूरा किया, वहाँ मैनुअली वर्क। यस सर, ये लीजिए सर, ये सब लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन का। हमारे सहयोगी दीपांकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, आप उस टीम से बात कर रहे थे जिस टीम ने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। कहते हैं कि जहां पर मशीनों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से इंसानों ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और विजय दिलाई है। कह सकते हैं कि इनके अथक प्रयासों का परिणाम है कि सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर हैं। दीपांकर, बिल्कुल अमित, मशीन, इंसान और भगवान, सब कुछ सिलक्यारा टनल में हमें पिछले 17 दिनों में दिखा है। यहां
निराशा भी दिखी, यहाँ आशा भी दिखी, यहाँ उम्मीद भी दिखी, यहाँ नाउम्मीदी भी दिखी, यहाँ अफवाहें भी दिखी, यहाँ अटकलें भी दिखी, और वो सब कुछ दिखा जिसका वो अंदाजा किसी को नहीं था कि ऐसा ही ऑपरेशन जाएगा। एक छोटी सी खबर और पूरी इंटरनेशनल न्यूज जो बनी है, एक बड़ा इंटरनेशनल सभी ने इसे कवर किया है, देश विदेश की बड़ी बड़ी एजेंसीज हो या छोटे छोटे यूट्यूबर्स हो, कौन यहां नहीं पहुंचा? पीएमओ से अधिकारी यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री 5 से 7 बार यहां पर पहुंचे, और अब अमित फाइनल मूवमेंट होगा आज की रात का, वो ये कि जब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में मुख्यमंत्री करते रहे, लेकिन सिल्क्यारा टनल में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। मैं आऊंगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, आऊंगा दीपांकर, लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है बहुत खास, ये तस्वीर है, आप देखिए, जब उन श्रमिकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्बुलेंस से बिठा रहे थे तब उनके चेहरे पर भी सुकून के भाव थे, और शायद जो श्रमिक अंदर बैठ रहे थे उनका कहना था कि हम तो मेडिकली फिट हैं, लेकिन यहां सीएम ही कह रहे थे कि नहीं, एक मेडिकल प्रोटोकॉल है, आप इसमें बैठिए, हम आपको चिकित्सालय तक लेकर जाएंगे। आपने जिंदगी की जंग जीती है, हमें मालूम है कि आपके भीतर एक जज्बा था, एक जोश था, तभी तो ये जंग हम जीत पाए हैं, लेकिन मेडिकल प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप इस एम्बुलेंस से बैठिए और हम आपको स्वास्थ्य केंद्र तक लेकर जाएं। शायद यही संवाद यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि राज्य के मुखिया किस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ उस टनल के भीतर लगातार मौजूद रहे, हौसला बढ़ाते रहे उन रेस्क्यू कर्मियों का जो लगातार ये कवायद कर रहे थे इन श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए, और साथ ही साथ हौसला बढ़ा रहे थे भीतर फंसे हुए 41 श्रमवीरों का भी, उनको ये विश्वास जता रहे थे, उनके भीतर ये विश्वास जगा रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे कि आप भीतर हिम्मत मत हारिएगा, हम बाहर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास फलीभूत तभी होगा जब भीतर आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, जब भीतर आपका धैर्य बना रहेगा, जब भीतर आपका विश्वास जगा रहेगा, तभी ये जंग हम जीत पाएंगे। और वही हुआ, ये जंग हम जीत गए हैं। अब जबकि सभी श्रमिक बाहर निकले हैं तो उनसे सीएम संवाद भी कर रहे हैं। पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई थी, ये जिंदगी की जीत है, ये नवजीवन की जीत है, और इस जीत पर पूरा हिंदुस्तान खुश है, फक्र महसूस कर रहा है अपने देवदूतों पर। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है स्वामी चिदानंद मुरी जी महाराज, उनसे जानते हैं कि वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। महाराज जी, स्वागत है न्यूज 18 पर। कहा जाता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। तो जज्बे और हौसले के आगे हम जीते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर और कितनी बड़ी कामयाबी? मैं समझता हूं कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज पूरे विश्व की नजर पूरे भारत पर है, और जिंदगी जीती है, टनल भी है जो बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों पैदा कर दी। आज तो लगता है कि केवल 41 श्रमिक ने, 41 परिवार जो हमारे देश के विश्वकर्मा हैं, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जो हमारे देश को सजाते हैं, आज उनको बचाने के लिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री और उनके साथ आदरणीय होम मिनिस्टर अपने श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रीगण, और साथ ही साथ कर्मयोगी कर्मवीरों को बचाने के लिए हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी, जो कि 7 बार, एक बार नहीं 7 बार, 17 दिन 7 बार वहां चले गए और डटे हुए हैं, डेरा डाल दिया ताकि ये भरोसा मिले कि इस देश का मजदूर मजबूर नहीं है, उसके साथ सरकार खड़ी है, संस्थाएं खड़ी हैं और पूरा भारत। तो चिदानंद मुनि महाराज को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक संदेश यह भी गया कि इस देश का मजदूर मजबूर नहीं है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, क्योंकि वो विश्वकर्मा है, वो राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, लिहाजा अगर उसके जीवन पर मन आई है तो हर कोई उसके साथ खड़ा है। चलते हैं एक बार फिर से दीपांकर के पास। दीपांकर, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सफल रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि 41 जिंदगियों ने जिंदगी की जंग जीत ली।
अमित प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं, बाकी एम्बुलेंस रवाना हो, मीडिया यहां पर जुटना शुरू हो गया है, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के जो सचिव है विनय शंकर पांडे, उन्होंने कहा है कि डीजी यहां पर पहुंचे, विनय शंकर पांडे भी यहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री यहां पर आने वाले हैं। विनय शंकर पांडे जी कितनी देर में बस पहुंचने वाले हैं सर? मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री के सचिव का यह बयान है, मुख्यमंत्री बस अब इंतजार है यहां पर मंच पर आने का। और एक बड़ी सफलता उत्तराखंड में, कम से कम एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था अमित, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम होती है, गवर्नमेंट की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इसे कह सकते हैं, जहां पर पूरी दुनिया अब पुष्कर सिंह धामी को सुनना चाहेगी कि कैसे यह 17 दिन का पूरा ऑपरेशन उनके लिए चुनौतियों से भरा रहा, कैसे सरकार ने इस पूरे ऑपरेशन को टैकल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बातचीत होती थी किस तरह की बातें होती थी, क्या मुश्किलें होती थी, प्रधानमंत्री ने किस तरह के पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको निर्देश दिए, एजेंसी से कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया। अब मुख्यमंत्री किसी भी पल यहां पर आ सकते हैं अमित, और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलकेरा टनल में, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के दिन का एंड होगी, आज के दिन का अंजाम होगी, एक सुखद अंत, एक फाइनल जो यहां पर हुआ है, इस फाइनल में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ यहां से कम सिलकेरा टनल से यह पूरा ऑपरेशन क्लोज होगा। और अब शायद सिलकेरा टनल पूरी दुनिया में इस बात के लिए याद की जाएगी कि 17 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन सिलकेरा टनल में 41 लोगों की जान बचाने के लिए चला, और आज वो 41 लोगों की जान, बड़ी खुशी आनंद का माहौल, और हो नहीं सकता कि सभी 41 कर्मी सकुशल खुश होकर के अपने पांव पर चल करके आ गए हैं, बहुत खुशी की बात। इस वक्त हमारे सर एक मिनट सर, तो ये अग्नि परीक्षा थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जब से वो उत्तराखंड में सत्ता संभाल रहे हैं, इतनी बड़ी चुनौती शायद ही उनके सामने आई हो, ये बहुत बड़ी चुनौती थी 41 जिंदगियों को बचाकर निकाल लाने की। चलते हैं दीपांकर के पास, मुख्यमंत्री आ चुके हैं, मुख्यमंत्री आने वाले, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री बहुत देर से इंतजार था, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और ये देखिए उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है, आगे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलकेरा टनल पर, वीके सिंह उनके साथ मौजूद और मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, मिस्टर अमित आप देखिए तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद और मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री को जगह है यहाँ पर दी जा रही, आसिफ भाई आटो चीफ मिनिस्टर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, और ये इंतजार जिसका इंतजार था वो कल आ चुका है। बहुत सारी शुभकामनाएं सर, बहुत सारी शुभकामनाएं, हाथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर, प्रेमचंद अग्रवाल जो